दोस्तों, इस वीडियो में हम हाइपोथेटिकल टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि क्या हम ट्रेन को रोड पर चला सकते हैं या फिर नहीं। तो चलो इसके बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों, छोटे होते समय आपके मन में कभी तो ये आया ही होगा कि ट्रेन पटरी पर ही क्यों चलती है, रोड पर क्यों नहीं। तो दोस्तों, ट्रेन लोहे की बनी होती है और ये काफी भारी गाड़ी भी होती है, जिस करके इसे रेलगाड़ी बोला जाता है। और रेलगाड़ी का मतलब ही होता है कि लोहे के ट्रैक पर चलने वाली गाड़ी, क्योंकि लोहे का ट्रैक ही अकेली ऐसी चीज है जो कि भारी भरकम ट्रेन का भार सहन कर सकती है। तो चलो अब जानते हैं कि क्या ट्रेन रोड पर चल सकती है। तो दोस्तों, एक ट्रेन को रोड पर चलने के लिए कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ेगा, जैसे कि रोड ट्रेन का पूरा लोड हैंडल नहीं कर पाएगी, क्योंकि ट्रेन के पहिए पतले और लोहे के होते हैं, जिस करके ज्यादा भार होने के चलते पहिए जमीन में धंसने लग जाएंगे। और दूसरा ये कि लोहे के ट्रैक और व्हील ट्रेन को पटरी पर चलने के लिए स्मूथ फ्रिक्शन प्रोवाइड कराता है, और अगर वही हम ट्रेन को रोड पर चलाने की कोशिश करें तो व्हील और रोड सेम मटेरियल न होने के चलते दोनों के बीच में इतना ज्यादा फ्रिक्शन पैदा होगा कि ट्रेन वहाँ से हिल भी नहीं पाएगी। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर हम रोड को कंक्रीट का बना दे तब तो ये ट्रेन आसानी से रोड पर चल पाएंगी। तो आप थोड़ी देर के तो ठीक है, पर रोड को कंक्रीट के बनाने के चलते ट्रेन रोड पर स्लिप करने लग जाएंगी और रोड को या फिर खुद को डैमेज कर लेगी। और लास्ट रीजन ये है कि ट्रेन में हैंडल नहीं होता और वो ट्रैक के अकॉर्डिंग ही अपना टर्न लेती है, जिस करके ट्रेन रोड पर टर्न लेने में सक्षम नहीं रहेगी। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, इसके लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।